2014 पासून जेव्हापासून केंद्रामध्ये मोदी जी बसलेले आहे तेव्हापासून देशामध्ये आणि महाराष्ट्र मध्ये एक वर्षाच्या मुलीपासून 70 वर्षाच्या महिलेपर्यंत सुरक्षित नाही आहे. बदलापूर मध्ये जी घटना घडली तो तिची आई स्वतः पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यावर तिची नोंद झाली नाही आणि त्यानंतर दुसऱ्या महिलांना होणारा अत्याचार वाढत आहे. आणि महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या वतीने नारी न्याय आंदोलन लेके दिल्ली से लेके पूरी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी यहाँ सब रेड साड़ी पहन के सभी महिला आई है. आज सबसे ज्यादा इशू महिला सुरक्षा का है और इतने सारे प्रकरण आप देख रहे हैं कि बदलापुर का हो गया, कलकत्ता का हो गया, हमारे नागपुर का हो गया, दिल्ली में निर्भया प्रकरण हो गया, पर कोई भी सरकार महिला की सुरक्षा के बारे में बोलने को तैयार नहीं है. आज का हमारा मोर्चा इसी सिलसिले में है, कहीं तो भी महिला की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और जब तक महिला सुरक्षित नहीं रहेगी देश सुरक्षित नहीं रहेगा.